उदाहरण आठ, एक आयताकार खेत का परिमाप 82 मीटर है तथा उसका क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर है। खेत की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। हल, माना कि आयताकार खेत की चौड़ाई 100 मीटर है। आयताकार खेत का परिमाप 82 मीटर। अब हम जानते हैं कि आयत का परिमाप जो होता है वो 2 लंबाई धन 2 चौड़ाई होता है, इसका मान 82 मीटर है। या लंबाई धन 2 चौड़ाई 82 को हम 2 का पक्षांतर करेंगे, 82/2 41 मीटर। या लंबाई धन चौड़ाई को हमने x मीटर माना है, 41 मीटर। या लंबाई 41 × x मीटर। चूंकि आयताकार खेत का क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर दिया है। अब हम जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई 400 वर्ग मीटर। या लंबाई हमारी है 41 × x और चौड़ाई जो है हमारा हमने x मानी है, 400। या कोष्ठक को खोलने पर हमें प्राप्त होगा 41x × x² बराबर 400। या 400 का पक्षांतर करेंगे तो हमें प्राप्त होगा −x² 41x − 400 −0। या दोनों पक्षों में ऋण से गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा −x² दोनों पक्षों में −1 से गुणा करने पर हमें प्राप्त होगा −x² −41x − 400 −0 को −1 से गुणा करें तो 0 प्राप्त होगा। आगे देखते हैं, हमने देखा था −x² −41x − 400 −0 या
ऋण 41x को हम लिखेंगे ऋण 25x, ऋण 16x धन 400 बराबर 0, या पहले दो पदों में से x को हम उभयनिष्ठ निकालेंगे तो x ऋण 25 और ऋण 16x धन 400 में उभयनिष्ठ ऋण 16 को निकालेंगे तो x धन के स्थान पर ऋण 25 बराबर 0, या x ऋण 25 को उभयनिष्ठ निकालेंगे तो x ऋण 16 बराबर 0, या x ऋण 25 बराबर 0, या x ऋण 16 बराबर 0 होगा, या x बराबर 25 पक्षांतर करेंगे ऋण 25 को तो धन 25, या x बराबर ऋण 16 का पक्षांतर करने पर हमें 16 प्राप्त होगा। अतः आयतकार खेत की चौड़ाई सोलह मीटर और लंबाई 25 मीटर होगी। x के दोनों मानों में एक लंबाई और दूसरी चौड़ाई को व्यक्त करेगा। इस तरह से यह इस उदाहरण का हल होगा।